हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई क्लास 3 के पर्यावरण अध्ययन का पाठ संख्या 1 करने जा रहे हैं। मैंने यह एक नया सीरीज शुरू किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार बिहार गवर्नमेंट ने 7 फेज टीचर्स वैकेंसी के लिए BPSC लगा दिया है, तो उसी की दिशा में मेरा यह एक प्रयास है। यहाँ पर हम लोग मिलकर चीजों को सीखेंगे। पढ़ने पढ़ाने जैसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर जितना ही ज़्यादा हम चर्चा करते हैं चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा और उतना ही बेहतर ढंग से हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो पाठ संख्या 1 है, जिसका टाइटल, जिसका शीर्षक है चाचा की शादी। तो बेसिकली इस पाठ में रिश्तों की अहमियत के बारे में हमें बताया गया है एक कविता के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग उस कविता को पढ़ते हैं। चाचा का जब ब्याह रचाया मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार भरा पूरा अपना परिवार। दिल्ली से मामा मामी आए, तो मामा मामी कहाँ से आए, दिल्ली से आए। संग में नाना नानी आए, साड़ी बिंदी चूड़ी लहठी कई सौगाते भेंट में लाए। देखिए, जब हम लोग कहीं पे जाते हैं न्योता लेकर, तो ये सारी चीजें हम लोग लेकर के जाते हैं। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए। जब लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं शादी ब्याह और इस तरह के खुशियों के माहौल में, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर जाते हैं। दादा दादी के क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। और जब आपका घर आपके सभी रिश्तेदारों से भर जाता है, तो फिर चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। अब क्योंकि हमने पाठ पढ़ लिया है, हमने कविता पढ़ लिया है, अब हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। कह रहे कि अब बताइए, पहला नंबर है कि इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि इसमें मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, इन चीजों के बारे में, इन रिश्तों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा नंबर कह रहा है कि क्या आप किसी शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं, किसकी शादी में और कहाँ, तो आप ये बता सकते हैं। वैसे हमारे लिए बीपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इससे आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्लास 3 के भी पर्यावरण अध्ययन को एक बार साथ में लेकर चलना चाह रहा हूं, और हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अपर क्लासेस में जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, वहां आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए थे, मतलब जब आप शादी में गए थे अपने घर से बाहर किसी दूसरे के यहाँ, वहां पे और कौन कौन से दूसरे रिश्तेदार आए थे, उनकी सूची बनाना है। तो हमारे मामा मामी, मौसा ताऊ, फूफा फूफी, ये सारे लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। सवाल नंबर 4 है कि कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं। देखिए, बेसिकली 2 ऐसे मौके होते हैं जिनको हम लोग, इन्हीं दोनों मौकों में हम लोग सभी प्रकार के चांसेस को, सभी प्रकार के अवसरों को समेट सकते हैं। या तो एक खुशी का मौका होता है, या तो एक गम का मौका होता है। जैसे कि शादी ब्याह, किसी फंक्शन में लोग आते हैं, या जब किसी का देहांत हो जाता है, तो फिर हमारे यहाँ लोग आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करना है, हमें सूचियाँ दी गई हैं। तो नाना कौन है, तो माँ के पिता जो हैं वो नाना कहलाते हैं। तो फिर मामा कौन होते हैं, तो माँ के जो भाई होते हैं वो मामा कहलाते हैं। चाची कौन होती है, तो चाचा के जो हमारे चाचा की जो पत्नी होती हैं वो हमारी चाची होती हैं। ताऊ कौन होते हैं, तो हमारे पिता के, हमारे फादर के जो बड़े भाई होते हैं उन्हें हम लोग ताऊ कहते हैं। मौसा किसे कहते हैं, तो मौसी के पति को मौसा कहते हैं। फूफा, तो हम लोग फूफा के पति को क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं। तो एक सिंपल सा मिलान करना था, ये बच्चों के लिए है, लेकिन हम सब क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाने वाले हैं, तो एक बार इन चीजों को हम लोग जरूर देखेंगे। कविता के अनुसार रिश्तों को भरिए। कह रहा है कि यहाँ पे दादा, तो उनकी पत्नी दादी हो जाएंगी, मामा मामी, फूफा फूफी, मम्मी पापा, इस तरह से चीजों को हम लोग फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आस्था और आकाश भाई बहन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परिवार के बारे में बताया गया है, जिसमें एक लड़का आस्था और उसकी बहन, एक लड़का, एक लड़की आस्था और उसके भाई आकाश के बारे में बताया गया है कि आस्था और आकाश दोनों भाई बहन हैं। दोनों बहुत खुश हैं। आज उनकी फूआ
अपने बच्चों के साथ घर आई है। तो आस्था और आकाश दोनों भाई बहन खुश क्यों हैं? क्योंकि इनकी फुआ जो है, मतलब इनके पिता की बहन जो है, वो इनके घर अपने बच्चों के साथ आई है, है ना। आस्था और आकाश ने फुआ के पांव छुए, मतलब आशीर्वाद लिया। फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया, ठीक है। आस्था के चाचा जी की शादी 5 दिनों के बाद है, मतलब आस्था के चाचा जी की शादी जो है वो 5 दिनों के बाद है, मतलब आस्था की जो फुआ है उनके भाई की शादी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिश्तों के बारे में जान रहे हैं, इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे हैं। दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं अपने यहाँ जो भी फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो दादाजी कहते हैं, क्या तुम्हें भी किसी को आमंत्रित करना है? दोनों ने अपने मित्रों का नाम एक कागज पर लिखकर दादाजी को दे दिया। अब आकाश को जिसको आमंत्रित करना था उसका नाम आकाश ने लिखकर दे दिया, और आस्था ने अपनी सहेलियों का नाम लिखकर के दादाजी को दे दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए, ठीक है, ताकि उन्हें इनवाइट किया जा सके। अगर आपके घर में शादी होगी तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे उनके नाम लिखिए। तो ये कोई जरूरी बात नहीं है हमारे लिए, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखते देखते शादी का दिन आ गया। आज बारात जाएगी, घर में काफी भीड़ है, सब लोग इधर उधर भाग भाग कर अपना काम निपटा रहे हैं। बारात निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची घर आई, है ना, क्योंकि मतलब नई जो दुल्हन आई वो इन बच्चों की चाची होगी ना। घर में सभी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि नई दुल्हन आई है। दादी जी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। आस्था बोली, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है। आस्था अपनी दादी से कहती है, दादी जी यह परिवार क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में यही देखेंगे कि एक परिवार का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब दादी जी आस्था को हंसते हुए बताती है कि जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी और बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। सिंपल सी बात है। अपने परिवार में मैं तुम्हारे दादा, अपने परिवार में कौन कौन से लोग हैं, दादी जी बता रही हैं। देखो, अपने परिवार में मैं हूँ, मतलब दादी जी हैं, तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा चाची और तुम सभी भाई बहन। तो हम सब जब एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो हमारा ये एक परिवार है। हम सब के साथ साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। अब कह रहा बताइए, नंबर एक में आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम तथा उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, मेरे फादर का नाम मोहम्मद अतीउल्लाह है, तो यहाँ पे रिश्ता मैं लिख दूंगा मोहम्मद अतीउल्लाह, रिश्ता मेरे पिताजी, मेरे मम्मी का नाम, मेरे भाई बहन का नाम, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर टू में बताया गया है, आप माँ एवं पिताजी की तरफ से रिश्तों के नाम लिखिए। चलिए, माँ से संबंधित एक नाम ऑलरेडी दिया गया है, नाना, तो नाना की पत्नी नानी जो कि माँ के साइड से होती है। फिर माँ के जो भाई होते हैं, मामा लोग, वो भी माँ की तरफ से होते हैं। फिर मौसी, फिर मौसा, और ये सारी जो रिश्ते होते हैं वो माँ की साइड से होते हैं, माँ से संबंधित होते हैं। पिता से संबंधित दादा दादी, फिर आपके ताऊ, आपके चाचा चाची, फूआ फूफी फूफा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो कि आपके फादर के साइड से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। अब सिंपल सी बात है कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा। तो ऑब्वियसली आपके माँ के जो भाई हैं उनका जो बेटा है वो आपके माँ का भतीजा लगेगा, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। आपकी फुआ की बेटी आपके पिताजी की क्या लगेगी, तो आपके फुआ की बेटी आपके पिताजी की क्या लगेगी, तो भांजी लगेगी, भगनी हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं कि भगिनी है, राइट। नंबर 5, आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएगी। अब समझिए, आस्था की चाची जो है उसकी शादी हुई है, अब वो किन किन नामों से जानी जाएगी। सबसे पहले तो किसी की बहू बनेगी, किसी की चाची बनेगी, किसी की जेठानी बनेगी, है ना, और मतलब जब उनके बच्चे होंगे तो वो किसी की माँ बनेगी। तो इन अलग अलग रिश्तों से उन्हें जाना जा सकता है, ठीक है।
ओके। नंबर सिक्स देखते हैं, नीचे की पहेली से रिश्तों के नाम ढूंढकर खाली स्थानों में लिखिए। लगातार क्रम में आ रहे अक्षरों का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इसमें हम लोग शब्दों को एक साथ मिलाकर कई सारे अलग अलग नाम जो हैं, रिश्तों के नाम जो है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहन, नाना, फिर उसके बाद में भाभी, मौसी, पिता, बहनोई, जीजा, ये अलग अलग तरह के रिश्ते जो हैं, आप इन पूरे के पूरे ब्लैंक्स को जो है वो भर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला अध्याय है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अध्याय संख्या 2 में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने कि आपको बताया कि हम लोग 7th फेज टीचर्स वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। मैं काफ़ी जल्दी जो है वो क्लास 3 के पर्यावरण अध्ययन की किताब को ख़त्म कर दूंगा, ताकि हम लोग 4, 5, 6, 7 और 8 तक के पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।